Jain has no goal. No, not even a small pot hidden anywhere. We are shallow but not yellow. We do not worship at the altar of high-priced metals. Probably it is safe to say we offer worship to no one in particular. Have no affiliations with any godman, and though we believe in God or other gods, these folk are usually the ones laughing at the human condition. That they themselves are responsible for this sorry state of affairs never seemed to cross the minds of these jokesters. We are trying, though not very hard, to show the inner workings into the minds of these gods of laughter. If you don't get the joke, remember we still in beta. Google Plus is in alpha. We are forever beta. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. मैंने सोच लिया है बहुत हो गई जिल्लत और गरीबी की जिंदगी, अब मैं बाबा बनने जा रहा हूँ। उस धंधे में पैसा भी है, इज्जत भी है। जब मन चाहे भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, जब मन चाहे भक्तों के स्पॉन्सर टिकट पे अमेरिका के चक्कर लगा के। पर मैं बाल और दाढ़ी बढ़ा के बाबा बनने वाला रूट नहीं लेना चाहता। थोड़ा हाई मेंटेनेंस है वो रास्ता, हाँ। और फिर दाढ़ी की एक ऑप्टिमम लंबाई रखनी पड़ती है। एक लेवल से कम हो तो आदमी डाकू लगता है, एक लेवल से ज़्यादा हो तो वॉनो भी लगता है। होता लिम्का बुक में रिकॉर्ड होल्डर बनने के लिए डेस्परेट होता। इनफैक्ट हमने अपने देश के सारे बाबाओं की दाढ़ी नाप कर पता लगाया कि बाबा बनने के लिए दाढ़ी की ऑप्टिमम लेंथ है 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर। ऑल आई एम सेइंग इज मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना, इसलिए मैंने ये इंटरनेशनल तरीका निकाला है। हाँ, एफ्रोविंग सब। हाँ, ये देखिए सत्य साई बाबा के जाने के बाद वैसे भी इंडिया के बाबा स्पेस में एक एफ्रो विग साइज होल बन गया। मैं उसे भर दूंगा। आपने सुना ही होगा सत्य साई बाबा के विलीन होने के बाद उनपे उनके पर्सनल चेंबर से 100 किलो से ज्यादा सोना निकला। आई थिंक सत्य साई बाबा ने अक्षय कुमार का मन्नपुरम गोल्ड लोन वाला एड नहीं देखा है। दुराम जब घर में पड़ा है सोना, तब का है कोरोना, बोले ना पैसा रख के सोना, दो मिनट में काम है होना। जब घर में पड़ा हो सोना, फिर काहे कोरोना। अगर सत्य साई बाबा इस 100 किलो सोने के बदले में गोल्ड लोन ले लेते तो उन्हें अपने बुढ़ापे में भी चीप मैजिक ट्रिक्स दिखा दिखा के पेट नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं अक्षय कुमार जो बोले उसे सीरियसली लेना चाहिए। बट इमेजिन 100 किलो गोल्ड, 12 करोड़ कैश और 300 किलो सिल्वर। आई थिंक सत्य साई बाबा टुक हिज गॉड स्टेटस अ बिट टू सीरियसली। प्रोबेबली ही बिलीव्ड ही विल बी ऑलवेज अराउंड। पर इस शॉकिंग न्यूज पर हमने कुछ लोगों के रिएक्शंस लिए, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। बस 100 किलो डेढ़ सौ किलो तो हम अभी पहना हुआ है। सोना नहीं चांदी नहीं यार तुम मिला, अरे प्यार कर ले। मैंने पहले बता दो उनको स्विस बैंक में रखो, कभी पुनर्जन्म होके आए तो मिल जाएगा। यहाँ तो पकड़ गए ना। ए आर रहमान ने कल ट्रैफिक हवलदार को रिश्वत देके उससे फिल्म फेयर अवार्ड खरीदा। 12 करोड़ कैश, इतना तो मेरा टॉयलेट पेपर का कमीशन था। बहुत खुजली होता है इसमें। साबुन लगा के नहाने के लिए अच्छा ही है। आई थिंक मैं कोई और गेटअप ट्राई करता हूँ, और भी इजी। देयर हैज टू बी अ सिंपलर वे ऑफ बिकमिंग अ बाबा यार।
Maybe I'll just talk bullshit in America and become the next Deepak Chopra. खैर अभी बाकी है सविता भाभी, LNN और बहुत सारी बकचोदी आफ्टर दिस ब्रेक. ये क्या है?